हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी बाइक में इस तरीके से सॉकल लीकेज कर रहा है तो उसको किस तरीके से ठीक करें। तो दोस्तों पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ से लीकेज होता है तो आपको ऑयल सील चेंज करनी पड़ती है। ऑयल सील किस तरीके की होती है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की ऑयल सील होती है, ये देखिए, ये यहाँ से अगर लीकेज करता है तो ये ऑयल सील चेंज होती है, लेकिन हमारा ये ऊपर से लीकेज कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत होगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और किस तरीके से इसको सही करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से अगर ऑयल लीकेज होता है तो ऑयल सील लीकेज होते हैं, और यहाँ से अगर ऑयल लीकेज कर रहा है, इस तरीके से ऑयल लीकेज कर रहा है, तो हमको इसकी ये नट होता है, ये वाला नट होता है, इसको साफ़ करके इसमें सैलिक लगा के इसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये खोल करके इसमें सैलिक लगा देंगे और ये सही हो जाएगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ये नट खोल लेंगे और उसके बाद ये वाला नट खोल लेंगे, इधर ये नट लगा हुआ है ये वाला नट खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, खोल के इसको नीचे खसकाएँगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको टाइट करना है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत से लोग बेवकूफ़ बना देते बहुत समय। तो दोस्तों अगर यहाँ से लीकेज होता है तो आपका सॉकर रिपेयर होगा, अगर यहाँ से लीकेज होता है तो हमारा ये नट ढीला करके इसमें सैलिक लगा के फिटिंग कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद ये नट ढीला करके और इसमें ये जो सैलिक होती है ये हम लगा करके इसमें फिट कर देंगे और इसकी ये लीकेज जो प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये हमने पूरा खोल लिया है, ये ऊपर से खोल लिया है, ये नीचे से खोल लिया है, यहाँ से ढीला करके खोल लिया है, और ये वाला नट खुलता है ऊपर से। देखिए दोस्तों, ये ऊपर से नट खुलता है, तो इससे हमने इस तरीके से नीचे खसका दिया और इसको हमने 24/27 के पानी रिंस से इसको हम खोलेंगे। खोल के इसको साफ़ करके इसमें सैलिक लगा करके इसको बांधेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप खोल लीजिएगा, ये देखिए काली काली रिंग दिख रही है, इसमें हम सैलिक लगाएंगे, सैलिक लगा के इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें हमने सैलिक लगा दिया, अब इसे हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों 24/27 के चौबीस सत्ताईस के पाने से आप इसे हम टाइट कर देंगे। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नीचे से सॉकर लीकेज होता है तो आपको ऑयल सील डालने की ज़रूरत होती है, अगर ये ऊपर से इस तरीके के सॉकर लीकेज है तो आपको ऑयल सील कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, खाली इस तरीके से खोल करके और इसमें सैलिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए आपको कोई भी बड़ी रकम देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एक सॉकर की रिपेयरिंग का खर्चा आता है मिनिमम 200 रुपये खर्चा आता है, 150-200 रुपये, लेकिन ये आपका काम फ्री में हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैंने सैलिक बताई है ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम टाइट कर देंगे, और जो मैं आपको ऑयल सील बता रहा हूँ ये ऑयल सील आपको मार्केट में 50-60 रुपये की मिल जाएगी, और इसके साथ आपको ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने पूरा टाइट कर लिया अच्छे से, टाइट करने के बाद इसका जो नट है, ये वाला जो नट है इसको हम ढीला कर देंगे। इस तरीके से ढीला कर देंगे, ढीला करने के बाद इसको हम ऊपर बैठा देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये फिक्स पूरा ऊपर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम टाइट कर देंगे। पहले हम ऊपर वाले ये नट लगा लेते हैं, ये वाला नट ऊपर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने पूरी फिटिंग कर दिया है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, बात को कंफर्म कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी इस गाड़ी का सॉकर यहाँ से लेके जाए तो आपको ये ऑयल सील चेंज करनी पड़ेगी, ये ऑयल सील चेंज करनी पड़ती है और इसमें आपका 200 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऊपर से लीकेज जाए तो आप इसी तरीके की सैलिक लगा करके, आप इस तरीके की सैलिक लगा करके उसको आप सही कर सकते हैं और यहाँ से ऑयल आपका नहीं लीकेज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये खाली ये सैलिक हमारी 10 रुपये की मिलती है और ये 10 रुपये में आपका काम हो जाएगा, उसके लिए आपको 200 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो, ये ट्रिक कैसी लगी, ये वीडियो की ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।